तीन चार दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से तालाब नाले नदी सभी उफान पर। अवस्थी जनपद में मानसून अपने चरम पर है। तीन चार दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से जिले में सभी तालाब पोखर नाले व नदी उफान पर है। वहीं लोगों के अनुसार पड़ोसी देश नेपाल के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से एक बार पुनः राप्ती नदी उफान पर बहने लगी है। भिंगा इकौना रोड पर पड़ने वाला खुरपिया नाला तो और भी गजब ही कर रहा है, मानो किसी नदी को टक्कर देने को तैयार हो। वहीं अंधरपुरवा पुल पर राप्ती नदी का उफान देखा जा सकता है। और अब देखिए सिरसिया का केन नाले की तस्वीर, यह सब आपको लाइव दिखा रहे हैं। समूचे जिले की तस्वीर आपको सिर्फ श्रावस्ती 100 तक पर देखने को मिलेगी। बीते दिनों दो तीन दिन से बाढ़ जैसे हालात बने। नदी के तटीय क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण नदी के रौद्र रूप को देखकर चिंतित हैं। विकास खंड जमनहा में विगत दिनों आई बाढ़ से दर्जनों गांव जलमग्न हुए थे। सैकड़ों बीघे धान की फसल प्रभावित हुई थी। पक्की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। सड़कों पर पानी का बहाव होने से काफ़ी दूर तक सड़कों की पटरी कट गई है। गाँव को जाने वाली पक्की सड़क भी ध्वस्त हुई है। यहाँ दो बार बाढ़ जैसे हालात देखकर ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने बताया कि खेतों में पानी भरा हुआ है, कुछ पानी कम हुआ तो वहीं बारिश भी गजब कर रही है। तीन दिनों से हो रही बारिश से पालतू पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं बार बार नदी में उफान से फिर से खेतों पर पानी भरने लग जाता है। खेतों में पानी कम हो ही नहीं पा रहा है। जिन लोगों की फसल किसी प्रकार बची, लगता है कि अब वह जल भराव से नष्ट हो जाएगी। नदी के बार बार उफान से ग्रामीण तंग आ चुके हैं। उनका कहना है कि खेत में कुछ नहीं होगा तो कैसे जिएंगे, परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। पड़ोसी देश नेपाल के पहाड़ों पर भारी बारिश का पानी राप्ती नदी में आने से नदी में उफान देखकर एक बार फिर से लोग भयभीत हैं। ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सब कुछ सामान्य होने में कुछ समय लग जाता है।